हेलो दोस्तों, मैं रोहन आपका आज इस यूट्यूब की वीडियो में स्वागत करता हूं। अभी हम जिस फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं उस फिल्म का नाम है इन माय ड्रीम्स, और ये जो है टीवी मूवी है, 2014 में रिलीज़ हुई थी। 1 घंटे 34 मिनट की फ़िल्म है और इस फिल्म को 1 नॉमिनेशन अवार्ड मिल चुका है। और इस फिल्म का जो जीनर है ड्रामा फैमिली रोमांस है। नताली एंड निक आर फ्रस्ट्रेटेड विथ देयर लक इन रोमेंस। आफ्टर टॉसिंग कॉइन्स इन टू फाउंटन द टू देन बिगिन ड्रीमिंग अबाउट ईच अदर, बट अकॉर्डिंग टू फाउंटन मैथोलॉजी दे ओनली हैव अ वीक टू टर्न दोज ड्रीम्स इन टू रियलिटी। निक स्मिथ अ टैलेंटेड आर्किटेक्ट इम्प्लॉयड बाय एन अनएप्रिसिएटिव स्क्रूज बट कंटेम्पलेटिंग अ फॉर्म ऑफ हिज ओन विथ कलीग जोय याबोलोंस्की सफर्स पॉइंटलेस अटेम्प्ट बाई हिज मदर टू मैच हिम अप। ये फिल्म जो है, इस फिल्म में हमें दिखाया जाता है नताली एंड निक आर दो फ्रस्ट्रेटेड एज अ लाइक फीमेल एंड मेल है, जो ट्राई करते हैं अपने लक पे कि उनकी जोड़ी जम जाए, उनको कोई अच्छा खासा लाइफ पार्टनर मिल जाए। ऐसा तो निक स्मिथ ये टैलेंटेड आर्किटेक्ट एम्प्लॉयड ऐसा फिल्म में दिखाया गया है। और फिल्म में जो मेन एक्ट्रेसेस है उसके बारे में हम जानेंगे। फिल्म को स्टार रेटिंग है 6.3 स्टार आउट ऑफ 10 स्टार। और फिल्म में जो मेन टॉप कास्ट है वो है कैथरीन मैकफी, ये जिन्होंने लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया है, माइक वोगेल एज वेल एज रचेल स्कार्स्टन एज जेसा, एंटोनियो क्यूपो एज मारियो, जेसलिन वैन लिम एज शार्ला, जिन्होंने एक जैसे रेस्टोरेंट में सेकंड असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट शेफ का रोल प्ले किया है, इरिका कैरोल एज कैरन। ये फिल्म मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि कैथरीन मैकफी इस फिल्म में बहुत ब्यूटीफुल लगी है। राइटर्स है टीना बूथ एंड सुजेट कुचर, एज अ स्क्रीन प्ले उन्होंने किया है। और इस फिल्म में ऐसा कोई न्यूड सीन या ऐसा कुछ अडल्ट सीन नहीं है, सर्टिफिकेट टीवी पीजी दिया गया है। और इसका हम फीचर रिव्यू कर रहे हैं आईएमडीबी के साइट पे। नताली रूसो, कैथरीन मैकफी एंड निक स्मिथ, माइक वोगेल आर अनलकी इन लव, जैसा रशेल स्कार्स्टन डंप्ड हिम एंड हिज मदर चार्लेट, जो एक्टर रहता है उसे डम किया जाता है। द लेटर इज ईगर लॉरी बेथ, नताली इज स्ट्रगलिंग टू मेक हर रेस्टोरेंट वर्क डिस्पाइट हर अनयील्डिंग इटालियन शेफ मैरियो। ये जो एक्ट्रेस है मेन फिल्म में वो एक इटालियन रेस्टोरेंट है ऐसा दिखाती है, और जो शेफ बाहर से आता है उसे हिंदी इंग्लिश सारी लैंग्वेजेस आती रहती है। ये फिल्म आप बेसिकली नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, हिंदी लैंग्वेजेस में भी, सबटाइटल्स में भी, इंग्लिश सबटाइटल्स और लैंग्वेज में भी। नताली एंड निक टॉस कॉइंस इनटू अ मैजिक फाउंटेन, दिस इज़ अ परफेक्टली फाइन हॉलमार्क टीवी मूवी। ये परफेक्टली एक फाइन हॉलमार्क टीवी मूवी है, इंक्लूडिंग अ ड्रीम मैच मेकर, इट्स नथिंग स्पेशल। फिल्म में ऐसा कुछ खास मूवी प्लॉट नहीं है, जस्ट एक हम जो मिथ रहता है वो दिखाते हैं। द ड्रीम कपल इज फोटोजेनिक एंड एन ऑब्वियस मैच। ये जो एक्टर और एक्ट्रेस है इस फिल्म में, इसका एज अ कपल जोड़ी ये बहुत अच्छा दिखाया है या फिर फोटोजेनिक लगता है। इट्स रियली क्यूट दैट मैकफी गेट्स ऑल डॉल्ड अप टू गो टू बेड, इट्स अ रोमांटिक ड्रीम इन मूवी फॉर्म एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, दिस नोज इट्स लेवल एंड हिट्स इट्स स्पॉट ऑन। फिल्म में जो एक्ट्रेस है और जो मेन एक्टर है उन दोनों को ड्रीम्स आते रहते हैं कि वो अपने पसंदीदा कैरेक्टर से या पसंदीदा एक्टर से मिलते हैं, उनकी जोड़ी मैच हो जाती है और फिर कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस बनते जाते हैं उसमें ये फिल्म दिखाती है। फिर बाद में इसका जो मुझे पिक्चराइजेशन है वो अच्छा लगा, जो सिनेमेटोग्राफी है वो अच्छा लगा। और ड्रीम्स में हम जैसा पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा थिंकिंग भी पॉजिटिव होता है, हमें वैसे ही सपने आते हैं, ऐसा ही कुछ इस फिल्म में भी दिखाया गया है। ये फिल्म के जो मेन लीड स्टार कास्ट है जिनके इसमें फिल्में घूमती है वो, ये फिल्म इसलिए भी अच्छी है क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी थोड़ी डाइजेस्टेबल है, यानी ऐसा भी नहीं कि आपको ये फिल्म बहुत बोर करेगी। और फिल्म को एक अवार्ड भी मिल चुका है। ये आप देख रहे मेन एक्ट्रेस कैथरीन मैकफी इन माय ड्रीम्स 2014।
और ये जो है होटल का जो है रहता सीन वो फिल्मा रहे हैं। शेफ जो है इसके साथ में है, जैसे इनका एक रशियन होटल होता है उसमें वो सारे रशियन मेन्यूज़ बनाते हैं, खाना बनाते हैं, कैसे सर्व करते हैं, क्या होटल का कल्चर होता है, ये भी इसमें दिखाया गया है। तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। फिल्म ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और इस फिल्म की लेंथ मैं बता दूँ तो 1 घंटा 34 मिनट है। ये अदर एक्टर्स है इस फिल्म में। अगर आपको ड्रामा फिल्म पसंद है या स्लो मूविंग फिल्म पसंद है तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए। इस फिल्म में अदर एक्ट्रेस में है रचल स्कार्स्टन, माइक वोगेल इन माय ड्रीम्स। ओके, रचल स्कार्स्टन भी इस फिल्म में। क्लोज योर आइज एंड फॉल इन लव, ऐसा टैग लाइन दिया इस फिल्म को। तो आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि ये फिल्म आपको कैसी लगी, और आने वाले समय में हम और ऐसी अच्छी अच्छी फिल्मों का रिव्यू करते रहेंगे। नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, आप उनको ज़रूर जाकर देखिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको किस टाइप की फ़िल्म का रिव्यू चाहिए। जैसे ज़्यादातर हम जो अवॉर्डेड फिल्म्स रहती है उनका ही रिव्यू करते हैं, तो आपको ये यूट्यूब चैनल कैसा लगा वो भी लिखिए। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हम बनाते रहेंगे। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि नेटफ्लिक्स पे भी आने वाले समय में लेटेस्ट फिल्में और ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो ये गुड न्यूज़ है हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू फॉर व्यूइंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड स्लीप।